जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलजीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एसएससी जीडी 2022-23 के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, और जिसका आज ये दूसरा पार्ट है प्यारे साथियों। और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, 100% इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और कल के वीडियो का भी आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस रहा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं होगा, हर दिन 20 क्वेश्चन के अति महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपने वाले। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है साथियों, और हमें वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो आज का पहले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लिखा है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लिखना साथियों, वेरी मोस्ट आईएमपी। तो पहला ऑप्शन है इसका जाइलम, दूसरा ऑप्शन है कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और ये ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, और ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानने वाले हैं, जो आप लोगों को याद होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे। जाइलम क्या होता है साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जाइलम वह ऊतक है जो पौधों में से पानी को ऊपर ले जाता है। एग्जाम के अंदर यहाँ से जाइलम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम क्या है। दोस्तों, एक ऐसा ऊतक है जो पौधों में है ना जल का संवहन करता है, पानी को ऊपर लेके जाता है पौधों में। और दोस्तों, जो एक ऊतक है इसका नाम है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, वे कोशिकाएं होती है जिनमें अनियमित रूप से मोटी कोशिका भित्ति होती है, जो सहारा और संरचना प्रदान करती है। इसी प्रकार अगला जो ऑप्शन था हमारा स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है। इस प्रकार से अगला जो ऊतक है ये आपको याद रखना, पेरेनकाइमा। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, चारों ऊतक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पेरेनकाइमा पतली दीवारों वाले ऊतक होते हैं जो खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधों के जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं। दोस्तों, ये थे ऊतक, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर दो, और क्वेश्चन नंबर दो में हमारे पास लिखा है बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं। मतलब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ बताना है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी जातक। जातक साथियों बौद्धों का एक ग्रंथ है, आपको याद रखना बौद्धों का ये एक ग्रंथ है, और इसके अंदर जो महात्मा बुद्ध थे उनके पुराने जीवन की कथाएं इसमें लिखी हुई है। जातक वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, और इससे बनने वाले कुछ वेरी मोस्ट आईएमपी फैक्ट जो हम लोग जानेंगे, तो इससे क्या फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में। गौतम बुद्ध वेरी मोस्ट आईएमपी है साथियों, और गौतम बुद्ध से एग्जाम के अंदर 100% एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म आपके लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था अगर पूछा जाए तो लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है, और उसके बाद बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना वेरी मोस्ट आईएमपी बात है। इसके बाद सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और उनका महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी साथियों, कुशीनगर भारत में। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है जो आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें साथियों। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, एयर फोर्स वन क्या है। तो साथियों, पहला ऑप्शन है वायुसेना, रक्षा प्रणाली, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, वायुसेना का लड़ाकू विमान, अमेरिकी वायुसेना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एयर फोर्स वन है साथियों, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका जो विमान कहलाता है वो कहलाता है एयर फोर्स वन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, तो बी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार,
क्वेश्चन नंबर चार की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर चार में लिखा है युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है। पहला ऑप्शन है अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है मई, सी वाला ऑप्शन है मार्च और डी वाला ऑप्शन है अगस्त। यानी कि आपको बताना है रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्च। यानी मार्च का जो मंथ है किस देवता के नाम पर रखा गया, तो साथियों मैं आपको बता दूं रोमन देवता, रोमन देवता इसका राइट आंसर हो जाएगा और मार्च महीना यानी सी वाला इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच में लिखा है क्रांतिक तापमान का पृष्ठ तनाव, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान है। पहला ऑप्शन है शून्य, बी वाला ऑप्शन है अनंत, सी वाला ऑप्शन है दो और डी वाला ऑप्शन है एक। यानी कि आपको क्या बताना है क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है। पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है, तो जीरो होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह में आपके सामने ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ। प्यारे साथियों वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम आया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका देहावसान, देहावसान का मतलब होता है साथियों इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है, 1964 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन की यदि हम बात करें तो सेवन में लिखा है आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत की मीरा, सी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट की ओर। एट नंबर आपके सामने वेरी मोस्ट आईएमपी, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। दोस्तों शिक्षा का प्राचीनतम स्थान आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी वाला, डी वाला दोस्तों तक्षशिला, डी वाला इसका सही जवाब है। तक्षशिला शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था, यह आपको याद रखना, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नाइन नंबर, और नाइन नंबर में लिखा है फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, मतलब आपको क्या बताना है इसमें, फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, विटामिन डी, विटामिन डी याद रखना, फलों में नहीं पाया जाता है, फलों में बाकी विटामिन पाया जाता है, डी वाला नहीं पाया जाता, वेरी मोस्ट आईएमपी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन की ओर। टेन नंबर का जवाब आप लोगों को बताना है साथियों, टेन नंबर में लिखा है नोबेल शांति पुरस्कार, टेन नंबर में लिखा है नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया जाता है, मतलब नोबेल पुरस्कार वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ओस्लो, डी वाला है जेनेवा। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो शांति का नोबेल पुरस्कार आयोजित किया जाता है ये किया जाता है ओस्लो में, ओस्लो दोस्तों वेरी मोस्ट आईएमपी है, और याद रखना वेरी मोस्ट आईएमपी फैक्ट, नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी है साथियों ओस्लो, यहीं पर जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी, सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, सी, सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में लिखा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला, वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी, सुल्तान बेगना जहरीला खातून शिरीन इबादी फातिमा बीबी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, सी वाला सही इसका जवाब हो जाएगा, सी वाला दोस्तों शिरीन इबादी, याद रखना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला पूछे तो शिरीन इबादी आपको बताना है, ईरान की रहने वाली, ये कहां से थी दोस्तों, शिरीन इबादी जो थी ईरान से थी, शिरीन इबादी इनका नाम है, शांति के क्षेत्र में इनको 2003 आपको याद रखना है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, इनका नाम है शिरीन इबादी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था, ए वाला सही जवाब हो जाएगा साथियों, ए वाला सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय,
राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हर दिन बोल रहा हूं कि आपकी एग्जाम के अंदर दिवस से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, दिवस को आपको पढ़ना है साथियों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी है, डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन 14 नंबर, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी, अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान, बी वाला है जयपाल, सी वाला है हेमो, उसके बाद डी वाला है हर्षवर्धन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हेमू था, हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है। प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा बताना है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है बी वाला सुक्रोज, सी वाला है फ्रुक्टोज, डी वाला है माल्टोज। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। तो प्रकृति के अंदर जो सबसे मीठी शर्करा है दोस्तों, वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको याद रखना है, फ्रक्टोज सबसे मीठा पदार्थ है प्रकृति के अंदर। वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यदि हम बात करें तो लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी वाला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी वाला है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी वाला है राज बिहारी बोस। तो दोस्तों राज बिहारी बोस ने क्या किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी राज बिहारी बोस। डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में क्या लिखा है, 17 नंबर को ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, पहला ऑप्शन है तो यहाँ पर मार्टिन लूथर, बी वाला ऑप्शन है जॉन क्लिप, सी वाला ऑप्शन है माइकल जॉन, और डी वाला ऑप्शन है इसका कार्ल मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं, ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की थी, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आइस हॉकी, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। खेल से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आता है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है साथियों। आइस हॉकी का खेल मैदान क्या कहलाता है, ये पूछा गया, एरिना, रिंक, मैट, ग्रिल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा रिंक। आइस हॉकी जो गेम होता है दोस्तों, उसके खेल मैदान को रिंक कहते हैं, बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी मोस्ट एमपी, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। खेल से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा जो होती है, खेल प्रतियोगिता जो होती है, कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। पहला ऑप्शन है 2-2 मिनट, बी वाला ऑप्शन है 3-3 मिनट, और सी वाला ऑप्शन है 4-4 मिनट, डी वाला ऑप्शन है 5-5 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा 3-3 मिनट, बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मुक्केबाजी की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, इतनी जानकारी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन लास्ट 20 नंबर, तो 20 नंबर में लिखा है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। पोलो खेल वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है मिजोरम, बी वाला ऑप्शन है मणिपुर, सी वाला है हिमाचल प्रदेश, और डी वाला है असम। यानी पूछा गया पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था, बी वाला सही जानकारी होगी, बी वाला ऑप्शन, बी वाला सही जानकारी है, मणिपुर राज्य में भारत में पोलो खेल का क्या हुआ था दोस्तों, प्रचलन हुआ था। तो याद रखना मणिपुर, वेरी मोस्ट एमपी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, मैं फिर बोल रहा हूँ, वेरी मोस्ट एमपी वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलने वाले हैं। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।